अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक ड्रामा जो बड़े जोरों शोर से देखा जा रहा है, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है। आजकल के हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। पहले तो बच्चों में इतना कुर्बत या इतना इख्तलात होना ही नहीं चाहिए, जिस तरह की स्टोरी दिखाई जा रही है कि नेबर्स हैं और नेबर्स के बच्चों में इतना ज़्यादा बड़े होने के बावजूद भी इतनी कुर्बत है। तो इतनी कुर्बत लामुहाला मोहब्बत में बदल जाती है। अगर मोहब्बत में बदल ही गई है तो घर वाले इतने ज़िद्दी क्यों हो रहे हैं? हमारे माशरे में यही बात सबसे ज़्यादा गलत है कि जहाँ बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ फ़ैसला इस तरह से लेना चाह रहे होते हैं, वहाँ उन्हें इस तरह का फ़ैसला नहीं लेने दिया जाता। इस स्टोरी में साइम को जो नेक्स्ट एपिसोड आ रही है, अपनी वालदा की मिन्नतें करते दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि जुबिया का रिश्ता होने वाला है और जुबिया का भाई साइम को जाके डरा धमका के भी आता है। दानियाल और रुशना इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, जबकि जुबिया बहुत परेशान है, क्योंकि वो इस किस्त में दिखाया गया था कि एक औरत आई बैठी है उनके घर में जो कि उसका रिश्ता शायद मांगे, तो उसके रिश्ते की बात चलना शुरू हो रही है और जुबिया बड़ी हो गई है तो वो नोटिस में आ रही है। ये स्टोरी बहुत ट्विस्ट लेके आ रही है आगे, क्योंकि अगली किस्त में यही दिखाया जा रहा है कि जुबिया की मंगनी होने वाली है, ये नहीं पता किससे। थैंक्स फॉर कि ये मंगनी किसके साथ हो रही है? कम अज़ कम ये मंगनी साइम के साथ नहीं हो रही होगी और किसी और के साथ हो रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तबसरा कैसा लगा। आप भी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि ये ड्रामा आपको कैसा लगता है, ये आगे क्या बनेगा इस ड्रामे का। थैंक यू।